बम के धमाका इना चिन्हे ला कि मरे वाला हिंदू है कि मुसलमान और यह बताए आ रहल बानी पटना से पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इंटरटेन फॉर यू के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2015 की एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म पटना से पाकिस्तान। इस फिल्म के बजट, बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस और इस फिल्म से जुड़े रोचक फैक्ट के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे वीडियो के साथ, क्योंकि आगे आपको बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलेगी। पटना से पाकिस्तान ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसे रिलीज किया गया था 6 मार्च 2015 को ऑल ओवर इंडिया और नेपाल के थिएटर में। इससे करीब 40 दिन पहले इस फिल्म को पहले बिहार में रिलीज किया गया था 23 जनवरी 2015 को। इस फिल्म में नजर आए थे भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ, आम्रपाली दुबे, अशोक समर्थ, काजल राघवानी, संजय पांडे, सुशील सिंह, किरण यादव, गोपाल राय, प्रकाश देश जैसे उम्दा कलाकार। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था संतोष मिश्रा जी ने, स्टोरी भी संतोष मिश्रा जी ने लिखा था। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था अनंजय रघुराज जी ने, सिनेमेटोग्राफी था रफीक शेख का। इस फिल्म में म्यूजिक दिया था राजेश रजनीश की जोड़ी ने। इस फिल्म में 46 मिनट 28 सेकंड लंबाई की कुल 12 गाने रखे गए थे। इस फिल्म के गाने 2015 के सुपर हिट गाने साबित हुए थे। इस फिल्म के कुछ बेहतरीन गाने थे दबे पाव अय्या, हम है पिया जी की, आशिकी ने आशिकी से, बम बम बोल रहा है काशी, मेरा रंग दे बसंती चोला आदि। इन गानों को दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया था और इस फिल्म को देखने के लिए दर्शकों में भी काफी ज्यादा क्रेज था। ये फिल्म 50 दिन तक लगातार थिएटर में चलती रही थी। इस फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का बजट 3 करोड़ रुपए रखा गया था और इस फिल्म ने लाइफ टाइम पे 19 करोड़ का कलेक्शन किया था और ये बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। 2 घंटा 42 मिनट लंबाई की इस फिल्म को IMDb पर 6.6 की रेटिंग मिली हुई है। वहीं 63% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को पसंद किया है। तो चलिए बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े रोचक फैक्ट के बारे में। फैक्ट नंबर 1, पटना से पाकिस्तान 2015 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की रेस में पहले पायदान पर थी। बात करें उस साल की टॉप 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म की, तो उनमें से टॉप 4 फिल्म निरहुआ जी के ही नाम थी। उस साल की पहले नंबर की फिल्म थी पटना से पाकिस्तान, दूसरे नंबर पर थी निरहुआ रिक्शा वाला 2, तीसरे नंबर पर थी जिगर वाला, चौथे नंबर पर थी राजा बाबू और पांचवे नंबर पर थी पवन सिंह की हुकूमत। फैक्ट नंबर 2, पटना से पाकिस्तान फिल्म के मेकर्स की पहली पसंद खेसारी लाल यादव थे और उन्होंने सबसे पहले खेसारी लाल यादव को इस फिल्म में काम करने के लिए अप्रोच भी किया था, पर खेसारी लाल यादव ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था क्योंकि वो उस समय किसी दूसरी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे और ये फिल्म निरहुआ जी के पास चली गई थी, जो कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी साबित हुई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। इसके बाद एक इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव ने इस फिल्म में काम नहीं कर पाने को अपनी सबसे बड़ी गलती बताई थी। फैक्ट नंबर 3, पटना से पाकिस्तान फिल्म की कहानी उस समय बन रही भोजपुरी फिल्मों से काफी ज्यादा अलग थी। ये कहानी थी कबीर नाम के एक युवक की, जो आतंकवादी हमले में अपने पूरे परिवार को खो देता है। कबीर अपराधी को खोजने के लिए सरकार से गुहार लगाता है, लेकिन जब सरकार कबीर की मदद करने से इनकार कर देते हैं तो मामला अपने हाथ में ले लेता है। वो पटना से पाकिस्तान जाता है और आतंकी संगठन से लड़ता है। इस फिल्म की स्टोरी काफ़ी बेहतरीन थी जिसे लोगों ने हाथों हाथ लिया था और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। ये भोजपुरी की पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें भारत और पाकिस्तान का मुद्दा
दिखाया गया था। इस फिल्म के बाद इसी तरह की विषय वस्तु वाली फिल्में बनने लगी थी, जैसे गदर, दुल्हन चाही पाकिस्तान से, इलाहाबाद से इस्लामाबाद तक आदि। फैक्ट नंबर 4, पटना से पाकिस्तान अशोक समर्थ की पहली भोजपुरी फिल्म थी। अशोक समर्थ इससे पहले काफी मराठी, बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों में काम कर चुके थे और पटना से पाकिस्तान फिल्म से इन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया था। फैक्ट नंबर 5, पटना से पाकिस्तान भोजपुरी की पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें निरहुआ आम्रपाली दुबे और काजल राघवानी, इन तीनों की जोड़ी नजर आई थी और इस फिल्म के बाद 2016 में इन तीनों की जोड़ी की फिल्म आशिक अवारा रिलीज हुई थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई थी और अब फिर से इन तीनों की जोड़ी सदा सुहागन फिल्म में नजर आने वाली है, जो कि आपको इसी साल देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ये थी पटना से पाकिस्तान फिल्म से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। बहुत जल्द इस वीडियो का पार्ट 2 भी आने वाला है, जहां हम इस फिल्म से जुड़ी और भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आपको अभी ये फिल्म पसंद आई थी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह की कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।